वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यो अमेजिंग पीपल, कैसे हैं आप? अपने एंजॉय करते रहिए हम और आप। सो आज है राखी। सो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू गाइज एंड गर्ल्स। सो द बालम्स फैमिली से भी आपको बहुत बहुत बधाई हो राखी की, और अच्छे से राखी बांधिए अपने भाइयों के, और अच्छे जो है वो प्यारे प्यारे गिफ्ट्स लीजिए। सो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली राखी के टाइम में जो हमारा घर है सिटी साइड में है, तो यहाँ पे काफ़ी मतलब जो है पतंग उड़ती है, काइट्स जो है वो काफ़ी उड़ती है। जैसे आपने होलसेल काइट्स का जो बाज़ार है उसके वीडियोस तो काफ़ी देखे होंगे, बट जो काइट जैसे उड़ाते हैं लोग वैसा आपने नहीं देखा होगा। सो मैं आपको अपने टेरेस पे जाके आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे मतलब जो है म्यूज़िक सिस्टम्स और सब सेट करके, और जो लोग हैं वो काइट उड़ाते हैं और जो राखी है उसको मतलब इन्जॉय करते हैं। सो पहले तो काफ़ी मतलब लोग उड़ाते थे, बट अब मतलब धीरे धीरे ये चीज़ मतलब कम हो रही है। जो लोग जो है वो मतलब इंडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे काइट उड़ाना है, ये एक आउटडोर एक्टिविटी है। तो उसमें काफ़ी, जैसे मुझे तो शुरू से मतलब शौक़ नहीं था काइट्स जो है वो उड़ाने का। तो पहले जैसे दोस्त वोस्त घर पर आते थे तो ठीक है थोड़ा बहुत उड़ा लेते कर लेते, और मेरे ये जो घर है यहाँ पर जो काइट्स है वो काफ़ी आती है। ओ लाइट चली गई, कोई बात नहीं, जो अपन नेचुरल जो रोशनी है उससे शूट करेंगे। सो मेरे घर पे काफ़ी सारी काइट्स आती है, तो मैं तो जो बच्चे होते हैं जो आसपास जो रहते हैं उनको दे देता हूँ, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं पर्सनली उड़ाता नहीं हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ चल के क्या माहौल है। तो ये देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे बाहर आया तो यहाँ पे ये देखो आप, जो ये मांझा जिसे कहते हैं, जो काइट उड़ाने का जो धागा होता है, ये देखिए ये यहाँ पे आया हुआ है। तो मैंने आपको कहा था ना यहाँ पे खूब पतंग और खूब मतलब इस तरह से आती है। तो अब यहाँ पे ऊपर आ गए हैं हम, एंड लेट्स सी द माहौल, क्या माहौल है राखी का। जैसे आप देख सकते हैं वहाँ पे कुछ जो सॉन्ग्स चल रहे हैं, और ऊपर जैसे ये काइट्स उड़ रही है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और मतलब बहुत ही कम उड़ रही है यार काइट्स। ये देखो वहाँ थोड़ी थोड़ी उड़ रही है, ये आप देख सकते हैं, और गाने चल रहे हैं। पहले तो मतलब ऐसा माहौल होता था कि पूरा मतलब छत पे सब लोग भर जाते, और मतलब ये जो भी मतलब पतंग है वो उड़ाने का करते। ये ब्लू बिल्डिंग बहुत ही अच्छी है। तो ये आप देखो, ये इधर काइट उड़ रही है यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा व्यू है। ये मेहरानगढ़ फोर्ट है। जितने भी घर देख रहे हो यहाँ पे सब लोग इन्जॉय करते थे, बट अब तो बिल्कुल ही माहौल मतलब ऐसा हो चुका है कि सब इंडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा मतलब पार्टिसिपेट करते हैं। तो यही है सब। उधर भी काफ़ी उड़ रही है यार, ये देखो यहाँ पे। तो ये अभी मतलब दिन का माहौल है, और फिर देखते हैं दोपहर का क्या माहौल रहता है। जैसे मैंने आपको काइट्स दिखाई यहाँ पे इतनी सारी। सो लेट्स सी। ये मेरी ऊपर वाली छत है, जैसे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे स्कूबी, ये देखना, ये अपने मज़े में ही लगा हुआ है। अब इसको नीचे जाना है। तो ये पीछे हमारा मेहरानगढ़ फोर्ट है, और ये छत है हमारे जो ऊपर वाली है। यहाँ पे भी काफ़ी पतंगें आती है। ये देखिए यहाँ पर भी अभी स्टार्ट हुई है उड़नी यहाँ पे, और यहाँ पे तो ये उड़ ही रही है। यहाँ पे ये इधर पूरा देखिए, अब मतलब ये म्यूज़िक सिस्टम लगा हुआ है। ये देखो यहाँ पे, और ये यहाँ पे मतलब गिनी चुनी बस आप काउंट कर सकते हो इतनी पतंगें ही उड़ रही है। और ये लड़का यहाँ पर उड़ाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा है, अच्छा है, कीप इट अप। और ये सारी इधर कहाँ गई, ये रही, ये यहाँ पे उड़ रही है, एक ये यहाँ पे उड़ रही है। तो ये सारी मतलब यही चीज़ है, और स्कूबी अपने मज़े में लगा हुआ है। स्कूबी, इतनी सारी पतंगें उड़ रही है ना। ये अपनी मस्ती में ही लगा हुआ है। तो ये मेरे बुआ सा है जो मेरे पापा की राखी बांध रहे हैं, और ये जो मेरी बेंगलोर वाली बुआ की एक और राखी आई थी तो वो बांध रहे हैं, और ये मम्मी के बांध रहे हैं। सो नाउ इट्स माय टर्न। एक्चुअली फ़ोटो ही है, एक्चुअली फ़ोटो पापा ने ली है, बट उनको यूज़ करना नहीं आता वीडियो पे। ठीक है, भी राखी बांध लो भाई। स्कूबी ये देखो, टीकी कितनी शानदार लगी। स्कूबी देख, ले चले, चलो 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 चलो। सो अब हम लोग बाहर निकल चुके हैं। एक्चुअली मेरी जो वाइफ़ है उनके जो ब्रदर है, जैसे कि मेरे जो ब्रदर इन लॉ है, उनके राखी बांधने। और देख सकते हैं बारिश कितनी सारी आई है यार। मतलब राखी के दिन जिन भी बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधी होगी ना, तो उन्होंने ये जो दोपहर का जो ये टाइम है यहाँ पे मतलब बारिश ज़रूर फेस की होगी। एक्चुअली हाउसिंग बोर्ड वगैरह मतलब पूरे जितने भी एरियाज़ है जोधपुर के, वहाँ बहुत ही ताबड़तोड़ बारिश आई है। और ऐसी बारिश मतलब जोधपुर के अंदर मेरे ख्याल से 2 या 3 साल बाद ही आई है। और उससे पहले जब बारिश आई थी, जिस दिन 3rd of July था, उस दिन बारिश आई थी। क्योंकि मुझे एक्चुअली अच्छे से याद है, क्योंकि उस दिन मेरी मतलब जो शादी है उस दिन की थी हमने, और इसलिए मतलब इतनी सारी जो बारिश है उस टाइम आई थी। उस दिन के बाद में ऐसे जो है आज ये बारिश इतनी आई है। सो पार्डन फॉर द वॉइस ऑफ डैट। ये जो काज साफ़ कर रहा है, जो वाइपर्स है, तो इसकी मतलब चूँ आपको आवाज़ जो है वो ज़्यादा सुनाई दे रही होगी। सो वही है। एक्चुअली यार मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि घर पे मैंने वीडियोस नहीं ले पाया, क्योंकि पापा के और बुआसा के जो राखी बांधने का जो वीडियो था वो तो मैंने खुद ने शूट किया था। फिर पापा को मैंने बताया था, तो उनको मतलब वो इतना मोबाइल फ्रेंडली है नहीं, तो उनको बस मतलब फ़ोटोज़ लेनी मतलब अच्छे से आती है, बस वो क्लिक करना ही रहता है ना। क्योंकि वीडियोस के लिए फिर दूसरे उस टैब पे जाके दबाना पड़ता है, तो वो उनको सिस्टम थोड़ा सा नहीं आया, इसलिए मैंने मतलब फ़ोटो ही डाल दी। सो ये देखो आप, बारिश कितनी सारी हो रही है यहाँ पे। आप देखो इतना पानी भरा हुआ है। तो यहाँ पे भी मतलब कुछ ड्रेनेज का जो सिस्टम है, हालांकि किया हुआ तो है अच्छा, बट थोड़ा सा और मतलब करना चाहिए। देखो आप कितनी तेज़ मतलब बारिश आ रही है यहाँ पर। तो जितनी भी बहनें जो भी अपने भाइयों को राखी बांधने जा रही है, तो आज उनका डेडिकेशन जो है वो अच्छे से दिखेगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा एरिया जो है ये सर्किट हाउस आगे आता है सर्कल, और यहाँ देखो आप लेफ़्ट में इतना पानी भरा हुआ है, इतना पानी। सो मतलब आप तो खुद ही अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि कितनी तेज़ बारिश आई है। सो अब ये आप देख सकते हैं बारिश और तेज़ हुई है। सो अभी मैंने पहला वाला जो वीडियो क्लिप दिखाया था आपको, वो मैं राइट हैंड साइड से ब्रिज के ऊपर चढ़ रहा था, आपके लिए ही मैंने पूरा सर्किट हाउस से लेके और आगे से पूरा टर्न किया है। तो ये मुझे वापस इस पाउडर जो ये आगे पाउडर सर्कल आता है हमारा, मेजर शैतान सिंह चौराहा, जो यहाँ पे जो उनकी जो मतलब मेमोरी के अंदर ये यहाँ पे पूरा चौराहा बना हुआ है। यहाँ पे मेजर शैतान सिंह का जो चौराहा है, इन पे भी मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ। इतनी भीड़। सो अब सीधा चलते हैं घर पे। बाहर जाके आ गया, और ये एक जो चीज़ है वो मैं लेके आया हूँ अपने iPad Pro जो है उसके लिए। और वही यार मतलब बारिश इतनी हो रही थी, और फिर बाद में राखी वाकी का सब कुछ किया, राखी वाकी सब मतलब बांधी करी। मेरी वाइफ के जो ब्रदर्स हैं वहाँ घर पे जाके सबके राखी बांधी करी। फिर बाद में रात को हम लोग लेट आए थे, क्योंकि डिनर विनर सब मतलब उनके घर पे ही हो गया था। हालांकि प्लान तो हमारे घर पे करने का ही था, बट मतलब उन्होंने कहा तो हमने वहीं पर ही डिनर किया, और फिर हम लोग रात को आ गए, सो गए। और फिर सुबह उठा तो बिल्कुल मतलब कोई क्लाइंट फ्रेंड्स आए हुए थे, उनसे फ्री हुआ। और फ्री होने के बाद में एक कोई काम था, सदापुरा साइड ही था कोई काम, तो वो काम किया। और एक ये चीज़ तो मुझे iPad के लिए लेनी ही थी, क्योंकि मतलब प्रॉब्लम भी आ रही थी मुझे काफ़ी, तो इसीलिए मैंने ये चीज़ ली है। और अब इसकी करेंगे अपन अनबॉक्सिंग। वैसे मैं अनबॉक्सिंग में इतना अच्छा नहीं हूँ, बट जितना भी हो मतलब आपको मतलब वो चीज़ जो है वो समझ में आ जाएगी। और ये कोई चैनल अनबॉक्सिंग का भी नहीं है, तो जितना मुझसे होगा मैं आपको दिखाऊंगा अनबॉक्सिंग। और बिल्कुल ही अच्छी मतलब यूज़ की चीज़ है, जिनके पास भी iPad है और उनका डेली का जो काम है उसी से होता है, तो आपको ये चीज़ बिल्कुल ही ज़रूर लेनी चाहिए। सो ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है लॉगीटेक का मल्टी डिवाइस कीबोर्ड है, जिसे मैं अपने इस iPad से कनेक्ट करूँगा। सो इसकी मैंने ब्राइटनेस भी बढ़ा दी है, और जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा स्टोर है, इसी का ही वॉलपेपर मैंने लगा रखा है। तो ये है, इसको हम लोग अब अनबॉक्स करते हैं। तो वैसे तो मैंने इसे अनबॉक्स कर दिया था वहाँ पे जो शॉप है वहाँ पे टेस्ट कराने के लिए, तो सील वहीं पे इसकी मैंने तोड़ दी थी। तो ये सॉरी स्कूबी है, सो सॉरी फॉर हिज वॉइस, और बहुत ही क्यूट बात करता है। तो अब इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है डिवाइस, और ये जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा का पूरा ऐसे कवर्ड है। हालांकि एक हाथ से अनबॉक्सिंग करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। ये देखिए, इसको उठाने में बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है जैसे पुराने जो खिलौने आते थे ना कैशियो के, तो वो ये यहाँ पे कुछ यूज़र मैनुअल है, तो इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है। सो इस डब्बे को जो है यहाँ पे मैं रख देता हूँ। और ये इसको भी देखो यहाँ पे आगे से खाएगा, सूंघेगा, करेगा। तो ये है, इसे इस पॉलीथिन से भी बाहर निकाल देता हूँ मैं, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, नहीं तो ये इसको भी देखो यहाँ पे वेट ही कर रहा है। सो दिस इज़ लॉजिटेक कीबोर्ड। सो काफ़ी अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी भी इसकी बहुत ही अच्छी है, उठाने के अंदर भी काफ़ी अच्छा है। ये जो पोर्शन है यहाँ पे सेल लगते हैं, ये बाहर निकल जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे लॉजिटेक वालों ने यहाँ पे 2 सेल डाल के दिए हैं, ये देखो, जैसे एक ये है और एक इसके अंदर है सेल। कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी है, जैसे ये इस टाइप से आप देख रहे हैं, ये मतलब अच्छा, मतलब सॉफ्ट मटेरियल है बहुत यहाँ पे। तो यहाँ पे ये प्लग का है, यहाँ पे मतलब ऑन ऑफ करने का है, तो यहाँ से इसे ऑन कर देते हैं। तो जैसे ही मैंने ऑन किया यहाँ पे ग्रीन लाइट लग गई और यहाँ पर भी एक ब्लू लाइट लग गई, जैसे आप देख सकते हैं। पीसी के लिए यूज़ करना है तो iOS के लिए यूज़ करना है तो ये सेलेक्ट करेंगे, और एंड्रॉयड के लिए सेलेक्ट करना है तो ये सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसका जो ब्लूटूथ है वो ऑप्शन में जाता हूँ, जैसे ये सेटिंग्स के अंदर, दिस इज़ द ब्लूटूथ। अभी ये इसको डिवाइस को सर्च करेगा जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। हाँ, तो इसे मतलब बटन को दबाए रखना पड़ता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कीबोर्ड K480 का यहाँ पे आ गया है। इसे मैं क्लिक करता हूँ, ये क्लिक कर दिया इस पर। सो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है यहाँ पे, एक्चुअली फर्स्ट टाइम के अंदर ये टाइम लेगा। ये देखिए, अब यहाँ पे ये इजीली कनेक्टेड हो चुका है। एक्चुअली इसे मैंने 3 पर करा है, क्योंकि फर्स्ट पे मैंने एक्चुअली मोबाइल जो है मेरा सेम यही प्रोसेस है, जो मेरा जो iPhone से मैंने कनेक्ट किया था, तो उससे ये कनेक्ट पेयर हो चुका था। फिर मैंने इसे 3rd पे किया है। सो अब मैं जो नोट्स वाला जो है ये खोल लेता हूँ, इसमें आपको मैं टाइप करके बताता हूँ। सॉरी फॉर दिस मूवीज़ वॉइस। तो ये यहाँ पर नोट्स का है, अब यहाँ पर मैं कुछ भी लिखूँगा, HELLO, हेलो, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और वहाँ पे टाइप हो रहा है, जैसे आप देख सकते हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब। सो कीज़ बहुत ही सॉफ्ट है, जैसे यहाँ पे ये आ चुका है, हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे ये इजीली मतलब बटन्स भी काफ़ी सॉफ्ट है, जैसे आप देख सकते हैं। कुछ भी मतलब की अगर दबानी होती है ना, तो ये मतलब बिल्कुल ही इसकी इस तरह की वॉइस है। तो ये मतलब इस टाइप से यहाँ पे हो चुका है। तो इसको भी यहाँ पे आ गया। इसको भी अनबॉक्सिंग कैसी लगी अनबॉक्सिंग तुझे अच्छी लगी? चलो तब ठीक है। हालांकि इसमें ये जो जगह दी हुई है ये बहुत ही अच्छी है रबड़ की, तो यहाँ पे iPad को या फ़ोन को डाल सकते हैं। तो मैं नहीं डालूंगा, क्योंकि मेरा बेसिकली पूरा ये कवर लगा हुआ है, तो इसको ऐसे ही रखेंगे। और 10 मीटर जो है वो भैया ने कहा था कि 10 मीटर तक ये जो ब्लूटूथ वाला है वो इजीली मतलब वर्क कर लेता है। तो ये मतलब पूरा मेरा जो है सेटअप हो चुका है। बेसिकली अब मैंने यहाँ पे ये सेटअप कर लिया है, और वही यार एक्चुअली जो मेल्स वगैरह जो भी करने पड़ते थे तो वो मतलब बहुत ही टिपिकल हो जाता था, तो इसीलिए मैंने जो है ये कीबोर्ड ले लिया। तो काफ़ी आसान मेरा काम हो जाएगा, जो मेल्स करता हूँ अलग अलग जगह पे या कुछ भी मतलब टाइपिंग से रिलेटेड, तो उसमें स्क्रीन पे जाके और टच करना पड़ता था। तो ये अब कीबोर्ड आ चुका है, तो मतलब बिल्कुल ही अपना ये लैपटॉप बन गया, कंप्यूटर बन गया, जो भी है। तो सब काम मैं इसी पे ही करता हूँ। लैपटॉप का या पीसी वाला कॉन्सेप्ट ही मैंने पूरा हटा दिया। सो दिस डिवाइस इज़ वेरी केपेबल, हर चीज़ मतलब इसमें हो जाती है ईजिली। तो हैट्स ऑफ टू एप्पल कंपनी एंड लॉजिटेक। सो अगर आपको ये बाय करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दे दूंगा लेनोवो का जो ये कीबोर्ड है, तो आप वहाँ से अमेज़ोन से भी मंगा सकते हो। मैंने तो फिजिकली परचेस किया, क्योंकि मैं लेने कुछ और गया था, मतलब ये मेरा जो फ़ोन है इसका स्क्रीन गार्ड जो है वो टूट चुका था, इसीलिए मैंने वहाँ पे गया और ये चीज़ मुझे दिख गई, तो मैंने हाथों हाथ जो है उसे ले लिया। सो अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। सो होप कि आपको ये राखी वाला ब्लॉग, बारिश वाला ब्लॉग और ये जो अनबॉक्सिंग है, ये 3 चीज़ें मैंने इस ब्लॉग में आपको बताई। तो वही है मतलब थोड़ा सा टाइम का थोड़ा सा रहता है, क्योंकि राखी से भी हम लोग आए थे, थक गए थे, तो सो गया मैं, और फिर सुबह उठ के कोई क्लाइंट्स आ गए थे, फिर उसके बाद मैं बाहर निकला करा, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम का मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा रहता है, और मैं एक्चुअली टाइम को मैनेज नहीं कर पाता। तो इसीलिए मतलब ये जो भी वीडियो है वो थोड़ा सा लेट आता है व्लॉगिंग का। तो होप कि आपको ये वीडियोज़ अच्छे लगते होंगे। आप प्लीज़ चैनल पे बने भी रहिएगा, और मैं कोशिश करूँगा मतलब रेगुलर व्लॉग करने की। और तो मतलब चलता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। सो बाय।